हेलो भाई, मु विष्णुप्रिया आपमनकु स्वागत करूछि पुणी एक नुआ टॉपिक सहित। आशा करूछि आपण माने समस्त भलरे थिबे। तबे चलंतु आरंभ करिवा आजिर वीडियो। फ्रेंड्स, अनेक समय रे आपण देखथिबे झिया माने सेक्स समय रे कंडम रे व्यवहार करबाकु पसंद करनथांती, किंतु कंडम रो व्यवहार द्वारा एचआईवी संक्रमण को दूर करा जायथाय। किंतु एहारो व्यवहार महिला को पसंद नुहे। किछि युवती एहा मध्य कहिथांती तांको पार्टनर कंडम पिंधिले तांको सेतिके खुशी मिलि नथाय। एको यूनिवर्सिटी 14 रु 17 वर्ष वयस मध्य रे अनेक गवेषणा करथिले एवं जणा जायथिले कि युवतींको दिनर चर्चा ओ सेक्सुअल रिलेशन मध्यरे से अनेक दुश्चिंतारे रही थांती। द जर्नल ऑफ एडल्ट हेल्थ रो गवेषणारु यह जणा जायछि कि एही गवेषणा प्राय 387 युवतींको उपरे करा जायथिला एवं यह देखा जायथिला कि युवती माने एपरी कंडम व्यवहार को पसंद करनथिले। अनेक युवतींको ठारु एपरी अभिजोग देखिबा को मिलिथाय, कारण प्रेम संबंध मध्यरे सेमाने पार्टनरकर कंडम व्यवहार को पसंद करंती नाही, कारण कंडम रो जो सुगंध एहा तांको पसंद नथाय। एहा द्वारा अनेक महिलांकर एलर्जी मध्य रहिथाय। कंडम रो सठिक व्यवहार न करिबा द्वारा एहा फाटिबार आशंका रहिथाय एवं पेट्रोलियम जेली लोशन क्रीम आदि व्यवहार द्वारा यह कंडम फाटिबार अधिक आशंका रही थाए। ग्लिसरीन रो व्यवहार होइथाय, तेणु कंडम किणिबा समय सठिक साइज देखि ही किणंतु एवं जदि आपण अधिक ढीला कंडम किणंती तेबे एहा सही समय रे फाटिबार अधिक आशंका रही थाए। तो फ्रेंड्स, जानले तो झिया माने सेक्स समय कंडम रो व्यवहार को कौन पे चिड़ी थांती। आशा करूछि ए छोट वीडियो आपण मानको पसंद आसथिबो। जदि पसंद आसथिबो तले वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु आओ आम चैनल सहित जोड़े रहे पे आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। थैंक यू फ्रेंड्स।